हेलो, ये फ्लोर क्लीनर बनाया है मेरी लड़की 5th स्टैंडर्ड में. उसने एक्चुअली बना चुके हैं, बट मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया और कैसे बनाना है. एकदम इजी है, बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं. एक वाटर बॉटल है उसको, और यहाँ से काट के दूसरी बॉटल का कैप हॉट ग्लू गन से अंदर चिपका देना है, और फिर गाड़ी के पहिए आते वो लेना है और उसको यहाँ पे दोनों साइड स्टिक कर देना है, बैलेंस रखे, नीचे टच नहीं हो. उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है. जो मोटर लगाया है वो पहिए के अंदर, ऐसा पहिए के अंदर ये मोटर जाती है, और यहाँ पे उसको कनेक्ट करके एक स्विच थी जो अभी निकल गई है, ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट करना है. तो हमको क्या करना है, एक रेड वायर स्विच से कनेक्ट करके बैटरी में करना है, और बैटरी का कनेक्शन हमको मोटर में देना है, और ब्लैक वाला सेम दूसरी साइड से रिपीट करना है, और यहाँ पे स्विच लगाना. तो स्विच ऑन करेंगे तो ये अपने आप ऐसा चलता है, और इसके अंदर फ्लोर क्लीनर हमने डाला हुआ है. तो फ्लोर क्लीनर डाल के हम नीचे होल्ड कर दिया है, तो ये चलती है, तो फ्लोर क्लीनर गिरते गिरते आगे जाती है, और पीछे फ्लोर क्लीनर जो है ये तार और कलर करने का जो आता है ना, या आप कोई भी अपना धागे का रील आती है वो, उसके ऊपर कॉटन या कपड़ा लगा के भी आप कर सकते हो, और ऐसा लगाने का. तो ये जब ऐसा जाता है तब ये घूमता है तो फ्लोर साफ होता है. इसको फ्लोर क्लीनर एक बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट के लिए. थैंक यू.